भाभी जन्म में आ गया हूँ। क्या मुसीबत है यार, एक तो ये पंखा खराब है, ऊपर से ये बुड्ढे का खराब, तो सुन लगता है कोई ट्रेन चल रही हो। भाभी भाभी ओ भाभी, ओ अब क्या आफत आ गई तुझे सुबह सुबह। कहाँ है वो तुम्हारा फिरौन मियाँ, बुलाओ जरा उसको। खबरदार जो तुम्हें मेरे एजाज को फिरौन का, यहाँ से छुरी फेंक के मारूंगी ना तो लगेगी तेरी शहरक पे सीधा। अरे जाओ जाओ, ये क्या नया अजाब मुसलत कर दिया तुम लोगों ने मेरे सर पे, नींद हराम हो गई है मेरी। अबे किसकी बात कर रहा है, ये तुम्हारा दूसरा किरायेदार, कराटे लेने की मशीन है ये तो। शर्म कर, थोड़ा लिहाज कर, बुजुर्ग आदमी है। ओहो तुम्हें बड़ा प्यार है बुड्ढों से भाई, अगर इतना ही ख्याल है तो जाओ लेकर आओ 10-12 बुड्ढे उठा के और घुसाओ अपने कमरे में। मेरे कमरे में क्यों घुसा रहे हो? तौबा तौबा तौबा, एक खर्राटे लेने पे तू इतनी बकबक कर रहा है, अब तो ये साबित हो चुका है कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी मुमकिन है। यार ये जो अपनी डॉक्टरी है ना, ये अपने पास ही रख लो, 6,500 रुपए किराया देता हूँ इस छोटे से डब्बे का, उसके ऊपर भी एक और किरायेदार ठूस दिया तुम लोगों ने, छोड़ के चला जाऊंगा, कोई देखेगा भी नहीं तुम्हारे इस डब्बे की तरफ। अच्छा तो हम अपनी आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया ना सोचे। हाँ क्या होता है 6,500 में, महंगाई देखिए आसमान से बातें कर रही है। हाँ हाँ बढ़ाओ बढ़ाओ आमदनी बढ़ाओ, खूब पैसा कमाओ, कबर में लेके जाना है सारा पैसा। एक हफ्ते से तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि ये मेरे कमरे का पंखा खराब है, इसको सही करा दो, तुम्हारे कान पे जू तंग तो रहती नहीं है, ये नया किरायेदार बिठा दिया ऊपर से तुमने। तो पंखे का मौसम है ही कहाँ, रात को इतनी ठंड हो जाती है, हम तो पंखा चलाते ही नहीं है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना तुम लोगों जैसे मालिक मकान ना दे, अब मैं इस जहन्नुम में और दिन नहीं रहूंगा, सुन लो तुम लोग। ए खबरदार, अगर तूने मेरे घर को जहन्नुम बोला तो हाँ रहना है तो रह, वरना जा यहाँ से। अबे क्या कर रही हो, जीप जाहिल मालिक मकान मिले। तू बड़ा पढ़ा लिखा। यहाँ देखो जरा ऊंचाई नजर आ रही है, बहुत आराम से, बहुत आराम से। रोक, तुझे समझ नहीं आ रही हद हो गई है, एक तो खटारा सुजुकी लेके आ गया पूरे पैसे लेके। चलो भाई चलो, आ गया, तौबा तौबा थका हमारा। अबे लीलो फर आजा नीचे, ऊपर ही बैठ रहेगी क्या? अरे अम्मा यहाँ पर सैर करने का बड़ा मजा आ रहा है। चल फिर ठीक है, तेरा भी आ जाओ ना, मैं ऐसी किसी सूसकी वाले से करा दूंगी, सफेद दाढ़ी वाले से, खुश रहना है, नीचे उतर बेवकूफ। अब उतारू, आ जा मेरी बच्ची, शाबाश शाबाश, तुम लोग क्या मुँह खड़े देख रहे हो, शादी में आए हो क्या, बिरयानी का इंतजार करो। उठ जाए इजाज साहब, उठ जाए इजाज साहब। छुरी क्या कर रही है? अरे भाई ये तो मैं प्याज काट रही थी, बेध्यानी में ले आई हूँ। अबे तुझे कितनी दफा समझाया है, इस तरह जंगलियों की तरह नहीं उठाकर, किसी दिन हार्ट अटैक का दौरा पड़ जाएगा मुझे। हाँ 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 सही बात है, मुनव्वर खालू भी ना ऐसे ही सो रहे थे, दिल का दौरा पड़ा और चल बसे। क्या कर रही है, सुबह सुबह क्यों मौतें याद करा रही है, कोई अच्छी बात नहीं कर सकती क्या तू? अब क्या अच्छी बात करूँ, वो जो तुम्हारा किराएदार है ना, अभी मुझ पे इतना चीख चला के गया है वो। क्यों अब क्या मौत आ गई उसे? अरे वो बड़े मियाँ के खराटों पे इतराज कर रहा था और तुमने उनका पंखा नहीं ठीक कराया, उसी पे बस जहर उगल रहा था। जा जा तू जाके मेरे लिए लाश तैयार करा, मैं जाके हिसाब किताब करता हूँ, जा चल आज देख। ओ भाई ये क्या हो रहा है? खुदा का खौफ करो चाचा, तुम्हारे बेटे और नवासे की उम्र गाँव में, ये भाई भाई किस खुशी में बोल रहे हो, रिश्तेदारी क्या? हेलो भाई
अब तक तो उम्र के बारे में सिर्फ औरतों को हसास होते देखा था, आज पहली दफा किसी आदमी को देख रहा हूँ ये करते हुए। और बात सुनो, ये तुम मेरे डाइट पापे की खुशी में खा रहे हो भाई, किससे पूछ के खा रहे हो? मैं मजबूरी में खा रहा हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे ये तुम्हारे ये शुगर फ्री पापे खाने का। अबे ले, खा भी रहा है बोल भी रहा है, मतलब क्या तुम्हारा? अरे अगर ये बदमजा पापे किसी गाय भैंस के आगे रख दो ना, वो भी सूं के फेंक देगी। पता नहीं तुम कैसे खा लेते हो। दादा बकबक ना करो, पूरा पैकेट खा गया है। ले लो, ले लो, ले लो, के भी ले लो। कैसे खाते हो, ना शुक्री की इंतहा है। बात बताऊं, पड़ोस में नए लोग आए, एक लड़की आई, सामान आता देखा मैंने। वाह चाचा मियां वाह, अबे दोनों पांव तुम्हारे कब्र में है, तुम्हें चाहिए कि अपने गुनाहों की माफी मांगो और उसके ऊपर तुम मोहल्ले की खवातीन चेक कर रहे हो। वाह, मैं तुम जाहिलों को क्या पता, आस पड़ोस की खबर रखना बहुत अच्छा होता है, आजकल दहशतगर्दी फैली हुई है, क्या पता कौन आ जाए। खबर रखने में और ताड़ाताड़ी करने में ना बहुत फर्क होता है। और फॉल बकरा यार। चाचा मुझे ना इतना बच्चा मत समझो, सब पता है मुझे, तुम्हारी उम्र के बुड्ढे इस उम्र में क्या क्या हरकतें करते हैं ना, सब पता है मुझे, सब पता है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं तेरा तो दिमाग चल गया, तुझे तो बात करना बेकार है। अरे चलो चलो, तुम्हारे जैसे बुड्ढे होते शादी से एक दिन पहले एक्साइटमेंट में ही मर जाते हैं। हाँ अभी शिफ्ट हुए हम। नीलोफर, ए नीलोफर, नीलोफर, मां नीलोफर, वही हमेशा से यही कहती आ रही, बात सुन ले तू मेरी, किस घर में लेके आ गई, हमें नहीं कुछ पसंद आ रही है यहाँ पे। क्या हो गया अम्मा, अच्छा तो है? आग अच्छा है ना, बिजली आ रही है, ललकों में पानी आ रहा है, तुझे अच्छा लग रहा होगा, हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है भाई। अरे सब मसले तो हल हो जाएंगे अम्मा, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? टेंशन ना लूं तो क्या करूं, किस तरह रहेंगे यहाँ पे? अरे अम्मा सारी दुनिया के इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर मर गए हैं क्या? ये बात सुन तू बावली, तेरा बाप जो है ना वो लोटों की फैक्ट्रियां नहीं छोड़ के गया, मेरे पास एक रुपया नहीं है किसी को भी देने के, समझ आई? अरे अम्मा क्यों टेंशन लेती हो, इसका हल भी निकाल लेंगे। तू रुक, मैं बोली थी किसी गधे को पकड़ कर लाती। अरे बात सुन, ये गधे कब से इलेक्ट्रिशियन हो गए, इनको कब से काम आ गया? अरे अम्मा ये गधे ही तो काम करेंगे, समझा करो ना। अब सोचे मिठाई लूंगी, पड़ोसियों की तरफ जाऊंगी, सलाम दुआ करूंगी, किसी भी गधे को पकड़ के ले आऊंगी, समझ गई ना? चलो वो मिठाई का डब्बा निकालो जो रजिया खान लाहौर से लाई थी, चलो। हाय हाय नीलोफर, वो तो 2 महीने पुराना हो गया, वो तो सब चाट के खा भी चुकी है, उसमें बचा क्या इतनी सी मिठाई? मेरी प्यारी अम्मा, ये कौन सा कोई अमीरों का इलाका है कि बासी मिठाई खा के तबीयत खराब हो जाएगी उनकी? बस करके इंसान तो है ना फिर भी। अरे अम्मा ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनके मेदे बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, लखड़ अजम पत्थर अजम है। ऐसा कर लेते हैं। हाँ करके ले आओ मिठाई। अरे ये मजदूर कहाँ चले गए, सारा सामान यहाँ छोड़ गए हैं, ये देखो जरा हद हो गई, उठाओ भाई। देखो भाई एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो रोज रोज तुम लोग शोर शराबा मचा के रखते हो ना, मेरे घर को मछली बाजार बनाया हुआ है, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। भाई हमें भी आपका मुंह देखने का कोई शौक नहीं है, पिछले एक हफ्ते से खराब पड़ा हुआ पंखा सही करा दो और हमारी भी जान छोड़ दो। एक बात कान खोल के सुन लो इरफान मियां, कि ये उसूल है कि किराएदार जो चीज इस्तेमाल कर रहा होता है अगर वो खराब हो जाए तो उसी ने ठीक करानी होती है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात सुने, यूं तो मैं इसको पसंद नहीं करता बिल्कुल, लेकिन ये बात आपने गलत की है, इस बात को मैं इसका साथ दूंगा, पंखा आपको ही ठीक कराना पड़ेगा। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा वाह 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 वाह, वैसे तो कुत्ते बिल्लियों की तरह सास बहू की तरह लड़ते रहते हो एक दूसरे से, अब पंखे को लेके मेरे खिलाफ हो गए दोनों। वाह एक बात बता, मैंने भी जिद पकड़ ली है, मैंने ठीक कराऊंगा पंखा, कर लो जो कर सकते हो, जाओ। मत करवा पंखा ठीक, कयामत वाले दिन पकड़ूंगा कि जो एक एक मच्छर मेरा खून पीता है ना, इन सबका हिसाब लूंगा तुमसे एजाज भाई। जा जा ले लेना हिसाब, जो कर सकता कर ले, जा नहीं करता ठीक। से लीचड़ मालिक मकान नहीं देखे मैंने जिंदगी में कभी। आ रही हूँ भाई, सबर तो है ही नहीं है किसी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वो मैं ना सामने वाले घर पे आई हूँ। वो सामने ना, तो यहाँ क्या करने आई? आप समझी नहीं, मैं सामने वाले घर में शिफ्ट हुई हूँ जी, सोचा मोहल्ले में सबसे सलाम दुआ कर लूं। ये मिठाई अम्मा ने भेजी है, देसी घी की है। अच्छा दिखाओ। जोड़ा तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? लिया नहीं, जीता। जीता मतलब? हाँ
अरे वो जो हमारा गेम शो नहीं आता, अरे जिसका मेजबान वो सूखा कांकड़ी सा है, हाँ वही से जीता है। हाय मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो बड़ा देखती हूँ वो शो। अच्छा मैं और अम्मा कुछ दिन पहले वहीं गए थे। हाँ अरे मेरी अम्मा ने ऐसे अपनी गुर्बत के रोने रोए के बस मेजबान भी आबीदा हो गया था बिल्कुल। हाँ उसने मोटरसाइकिल, सोने का सेट और दो मोबाइल फोन और ये जोड़ा, ये सब कुछ दिया। फिर क्या, अम्मा ने मौके से फायदा उठा के उम्रे के टिकट्स भी मांग लिए जी, और उसने तर्ज खा के दे दी। क्या फिर तुम लोग उम्रे पे भी गए? कोई नहीं, घर आकर अम्मा ने सब कुछ बेच दिया, पूरे 3.5 लाख रुपए बनाए थे हमने। ए बहन इस शो के पास मुझे दिला दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, हमारा कजन है ना, उसी ने हमें 5 लाख दिए थे, मैं उसे बात करती हूँ, फिक्र ही ना करे, कोई मसला ही नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, हाँ कसम से। अरे भाभी वो ना घर में बिजली नहीं आ रही है, जरा किसी मर्द को भेज दो, है चेक करा दो। अरे तुम फिक्र ही मत करो, इजाज को सारा बिजली का काम आता है, टेंशन ना लो, तुम जाओ मैं अभी भेज। अरे भाई देखो इजाज, तुमने भी यही रहना है, हमने भी यही रहना है ना, और तुम्हें किराया भी चाहिए, तो मेरा मतलब है कि सारे मसाइल जो है वो प्यार मोहब्बत से हल हो जाए तो बेहतर है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। एक बात बता दूं मैं कुतुब मियां, मैं हूँ सीधा साधा शरीफ आदमी। ये देख रहे इसकी बदतमीजी, देख रहे हैं आप इसकी शरीफ, और आप इसके साथ मिल गए, अरे खुदा का खौफ करें। इधर आए मेरी बात, क्या है देख रही, मैं फट्टे में फंसा हूं। अरे इनसे तो बात होती रहेगी, इधर आए आप। क्या है? वो सामने वाले घर में ना एक लड़की आई है, उसके घर का पंखा खराब हुआ है, ठीक कर दे, बड़ी ही अच्छी लड़की है कसम से। चलो चलो। ओ भाई हेलो, किधर इधर, हमारे कमरे का पंखा पिछले 1 हफ्ते से खराब पड़ा हुआ है, उसको सही करने की जहमत तो आप लोगों को हुई नहीं, एक लड़की का पंखा क्या खराब हुआ, फौरन निकल लिए, तुम लोगों जैसे बदनीयत लोग मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ओ देखा कैसे अनपढ़ जाहिल औरतों की तरह ताने मार रहा है, चल हट यहां से, चलें। ए जाओ जाओ, खुद गर्ज लोग कहेंगे, ऐसे मालिक मकान को तो जहर देके मार देना चाहिए। प्लान बनाए क्या? अच्छा जाने दिया तू उसको, प्लान बनाए, पंखा खराब पड़ा हुआ तू वहां घुमाइयो उसको। तो मेरे तो बाप ने कभी ये सारे काम नहीं किए। ओहो आपको तो कितना पसीना आ रहा है। शुक्रिया। वैसे काफी स्मार्ट है। हाँ वैसे अपनी बीवी से तो और भी काफी छोटे लगते हैं। वैसे बाकी छोटे हैं? नहीं नहीं 4-5 साल छोटी है मुझसे, वो ऐसे ही झल्ली फिरती रहती है ना तो इसलिए बड़ी लगती है। मैं अपना टेक केयर जरा ज्यादा रखता हूँ, इसीलिए तो 40 साल का होने के बावजूद भी 25-26 का लगता हूँ। हाँ ये बात तो है। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर आप अपना सेल नंबर दे दें तो रात को मैं फोन कर लूंगा ये पूछने के लिए कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ क्यों नहीं, आप अपना मोबाइल दे दें, मैं सेव कर लेती हूँ। ये ले, सेव कर ले मेरा नंबर। शुक्रिया। मेरा नाम नीलूफर है। वाह बहुत खूबसूरत नाम है। हाँ भैया करंट आ गया। आ गया, आ रहा है तो बहुत जोर का आ गया, बिजली सब आ गई, सब आ रही है सब। अच्छा चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बात सुनो, हमारे गुसल खाने का ना ललका भी बह रहा है, जरा उसको भी ठीक कर दो जल्दी से। वो भी बिजली से चलता है? नहीं तो मुझे तो प्लम्बर का काम नहीं आता। आए है आए, इतनी अच्छी शक्ल सूरत के साथ सब कुछ आना चाहिए ना। हाँ अरे मेरा मतलब है हर फन मोला होना चाहिए ना इंसान को, क्यों नहीं मैं जाऊँ? हाँ अच्छा छोड़ के आगे देखो, छोड़ आना जाके फिर बुलाएंगे इंशाल्लाह, फिर बुलाएंगे, जरा देखें तो सही बिजली भी आ गई कि नहीं आ गई। क्या तुम उनके मुलाजिम लगे हो क्या? अभी बिजली का काम किया, अब मुफ्त में नलके भी ठीक करवाएंगे वो। अरे तो क्या हो गया, माँ बेटी अकेली है, उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है, अगर कोई जरूरत नहीं है समझे, बुलाए प्लम्बर और कराए ठीक, तुम्हें अब वहाँ जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्लम्बर का काम आता है मुझे,
क्या कहा? कुछ नहीं, मैं करता, मैं आ रहा हूं। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कौन हो भैया? आंटी मैं आपके सामने वाले घर से आया हूँ। तो सामने वाले घर में रहो, हमारे घर में क्यों आ गए, क्या काम है? आपके घर के नल सही नहीं है ना, तो उसकी मरम्मत करने के। अच्छा, तो तुम्हें वो इजाज ने भेजा है? भैया बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही नेक है, उसने भेजा ना तुम्हें? जी नहीं, उसने मुझे नहीं भेजा है। अब वो मुझे क्यों भेजेगा, वो भला इंसान है कोई? एक नंबर का लीचर और फटीचर आदमी आंटी। है क्या मतलब? मतलब मैं तो आंटी खुद आया हूँ ना आपके घर पे, मैंने सुन लिया था उसके मुंह से कि आपके घर का नलका खराब है, इसीलिए मैं खुद ही आ गया। आप पूछने मोहल्ले से जितनी भी खूबसूरत मतलब जितने भी घर है उनके नलके मैं ही ठीक है। और आंटी मेरा ये मानना है कि नेकी का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, इसलिए मैं आपके। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो लग रहा है कि इस मोहल्ले में सारे के सारे खिदमत कल से सच क्या है। आज भैया आज आज चले चले चल ना। अरे किसको ढूंढ रहे हो? किसी को भी नहीं। सच? हाँ हाँ, वैसे आपकी तारीफ। तारीफ तो हर कोई करता, तुम भी कर लो। अरे तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, हमें बनाया, तुम्हारी अम्मी को बनाया, हम सबको बनाया। ओ भाई पूरे शेरो शायरी समझ नहीं आती। ए, मुझे गाली दे देना लेकिन मुझे भाई मत कह, सीधा दिल पे चोट लगती। उफ़ल्ला, तुम तो बहुत ही चिचोर हो हैं? अगर अम्मा ने चिचोरापन देखे ना तो कान पकड़ के घर से निकाल देगी। हाँ अच्छा अच्छा चले, मैं माफ़ कर चाहता हूँ। शर्मिंदा होते हुए और भी क्यूट लगते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं तो सारी जिंदगी आपके लिए। अच्छा ये बताओ चाय पियोगे? हाँ हाँ पियूंगा, चीनी 5 चम्मच। ओए मेरे अब्बा की शुगर मिल की फैक्ट्री नहीं है, समझ आई? 2 चम्मच से ज्यादा नहीं मिलेगी, और वैसे भी ज्यादा चीनी खाने से शुगर हो जाती है। अरे तो हो जाए शुगर, जिंदगी में कब तक हम शुगर फ्री रहेंगे। चल काम कर, मैं चाय लाती हूँ। अरे भैया मैं तो तंग आ गया उस जगह, अगले हफ्ते मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, अच्छी सी जगह देख के ना वहां रहूंगा। तुमने चलना हुआ तुम भी साथ चलना। नहीं चाचा, मैं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। अबे बावला तो नहीं हो गया? पहले तो बड़ा उछल कूद कर रहा था यहाँ से निकलने के लिए, अब क्या हुआ है? बस कुछ हो गया है चाचा, अब तो मैं ये गर्मी भी बर्दाश्त कर लूंगा, ये बंद पंखा, एजाज की बातें, ये मोहल्ला सब। बेटा तू तो वाकई पागल हो गया इस माहौल में रह के, कमबख्त आसेब ज्यादा घर लग रहा है मुझे। अरे चाचा मैं जहां जाना है जाऊं, हम तो यही है भाई। ठीक है भाई तेरी मर्जी, रहना तो रहे, लेकिन मैं तो अगले हफ्ते चले जाऊंगा यहाँ से, मैं बर्दाश्त नहीं। क्या खूबसूरत लड़की थी, क्या नलके थे उसके घर के, क्या दरवाजे, क्या दीवारें, क्या खुशबू थी उसके घर की। लगता है गर्मी दिमाग पे चढ़ गई उसके, जवानी में तबाह हो गया बेचारा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बुरा ना मनाए तो मुझे मार्केट तक ड्रॉप कर देंगे? नहीं इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती? हाँ देखिए ना, एक नेकी करने का मौका मिल रहा है तो खुशकिस्मती तो हुई। अच्छा अच्छा, पहले कभी आपको देखा नहीं, नहीं आई हो? अरे इलाके तो कुत्तों का होता है, इंसानों का तो मोहल्ला होता है। हाँ मतलब भाई मोहल्ला मोहल्ला, मोहल्ले में नहीं आई है? हाँ वो जहाँ से घर है ना उसके बिल्कुल सामने रहती हूँ मैं। अच्छा, वो जिसके घर का पंखा खराब था वो पंखा ठीक करने गया था?
हाँ, और फिर इरफान भी आया था, उसने हमारा नल का ठीक कर दिया खुशबू खाने का। अच्छा, वो भी हो गया? क्या जब भी मैं कहूँ कि इस महल में उसका दिल कैसे लगना शुरू हो गया फिर से है? क्या मतलब? नहीं, नहीं कोई मतलब नहीं। आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ मार्केट। ओहो एक मिनट, पकड़ लो पकड़ लो आराम से। देखो भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम ना जरा होशियार रहो इन लोगों से, बहुत जरूरी है। पॉइंट ये है कि जो एजाज और अदनान है ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो मैं क्या करूं भाई? तुमसे इतना ज्यादा फ्री मत हो। देखो तुम अकेली हो, खूबसूरत हो, जवान हो, घर में आदमी भी कोई नहीं है, तो बच के रहो तुम है? अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो एक काम करें ना, आप मुझे मार्केट जाने छोड़ दे, मुझे वापस घर ड्रॉप कर दे, हैं? वेट कर लेंगे आप? बिल्कुल, व्हाई नॉट, चल चलो। भाभी 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 क्या? इजाज़ 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 जल्दी है, चल। क्या हो गया? मैंने आपको कहा था नहीं, आप पहली मंजिल में भूत जैसा, वो देखिए। अबे भूत नहीं हूँ मैं, हूँ मैं, खुद कर दो, मेरी तरफ भी देख लो। क्या हो गया, तेरा दिमाग चल गया क्या? वो देख देख। अबे मैं कैसे घर में आ गया? मैं इससे अच्छा तो रोड पे रह लेता, करंट लग गया मुझे। ये तो अपना इरफान है। मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं भूत ऐसे क्या हो गया। अरे हाँ, मैं इरफान हूँ, मैं कोई शाहरुख खान थोड़ी, अभी तक पहचाना नहीं तुम लोगों ने। कोई सीरियस मामला लग रहा है नसरीन, चल चल के देखते, चल चल चल। उफ, तो बड़ा जोर का करंट लग गया। उफ, कैसे घर में आ गया मैं ये। अरे बचा लो मुझे, गिर जाऊंगा मैं। क्यों मर जाएगा? करंट लगा है तुझे, कोई ऐसी बात नहीं है, जवान आदमी है, कोई बात नहीं है। 740 वोल्ट का करंट लगता है ना, सारी जवानी धरी की धरी रह जाती है। सही कह रही है। अबे क्या कर रही है, पानी क्यों पिला रही है उसको? करंट लगा उसे, मर जाएगा, पुलिस केस बन जाएगा हमारे ऊपर। जूस ले, जूस। अरे हाय, तो मुझे क्या पता कि करंट लगने के बाद पानी नहीं पिलाते। बावली क्यों? अरे वो बुड्ढे मियाँ के लक्षण तो देख ले कोई। ओ तेरी, सुमर में भी गेम आने उतर का। सुबह से बुड्ढा गायब, तो ये कारनामे अंजाम दे। मुझे तो पहले ही शक था इस बुड्ढे पे। जरा चेकआउट करें। क्या तकलीफ है, क्यों देख रहे हो ऐसे सारे? कुतुब चाचा, तुमसे ये बिल्कुल घटिया उम्मीद दी थी मुझे। अरे मुझे तो 100% यही उम्मीद थी। पहले दिन से मैं समझ गया था कि ये बुड्ढा एक नंबर का टंकी है। बिल्कुल ठीक कह रहा है इरफान, आजकल जवानों से ज्यादा ये बुड्ढे बिगड़ गए हैं। अरे तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या? ये कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो? तू अपनी हालत देख, ये क्या उल्टा बना हुआ है? अरे छोड़ो मेरी हालत वालत को, ये बताओ कि नीलूफर को स्कूटर पे बिठा के सवारियां किस खुशी में करवा रहे थे? ये बात है, इस बात की आग लगी हुई है तुम लोग को। मेरी मर्जी, जो चाहे मैं करूं, तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले हैं? लॉप ऑफ करें, ये इतनी गलत हरकत है ना चाचा, कमर में पांव लटक रहे, कुछ तो खुदा के खौफ करो। बको मत, तू अपना हाल देख, तेरा मुंह है ये बात करने वाली मुझे? पहले तू अपना हुलिया तो दुरुस्त कर, लगता कोई जंगली जानवर आ गया। बुरी बात है चाचा, ऐसे नहीं कहते, उस बेचारे को करंट लगा है इसीलिए इसका ये हुलिया हो गया। हाय, बड़ा अफसोस हुआ मुझे। करंट लगने का नहीं, इस बात का, कि ये बच गया। मुझे भी बड़ा अफसोस है तुम्हारे इस दुनिया पे आने का। देखो चाचा, बड़े ही प्यार से समझा रहा हूं, नीलूफर को ना अपनी छोटी बेटी समझना,
वरना फिर देख लेना। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। एक शर्त है वैसे बेटा, ये जो तुमने मसल बनाए हुए ना, ये बहनों के तहफ्फुज में बहुत काम आते हैं। तुम ऐसा करो कि तुम नीलोफर को अपनी बहन समझ लो, हैं? बोल, मंजूर है ये शर्त? क्यों, ये कौन सी शर्त है भाई? मैं नहीं मानता। तू नहीं मानता? अबे तो क्या तू अक्वामे मुत्तहिदा है कि तेरी हर बात मानना मुझ पर फर्ज है? मैं भी नहीं मानता। बस बस बस, लड़ना बंद करो तुम दोनों और मेरी बात गौर से सुनो। ओहो, अब तुमने भी कुछ कहना है क्या? अच्छा, अब तुझे भी कोई बात करनी है? अगर तुम दोनों में से किसी ने भी नीलोफर से फ्री होने की कोशिश की तो बोले तू भी नीलोफर। लो भाई, ये भी नीलोफर के प्यार में गिरफ्तार हो गए हैं। अबे एक अनार में कितने बीमार हो गए। तकलीफ कोई नहीं है, खुशी है खुशी, क्योंकि नीलोफर के घर सबसे पहले मैं गया था और उसके जिंदगी में रोशनी मैं लेकर आया था। मैंने उसकी बत्ती ऑन की थी और मेरे पास एक ऐसी चीज है उसकी जो तुम दोनों के पास नहीं है। क्या 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 क्या? उसने तुझे कौन सी चीज दी है? उसका सेल नंबर। कुछ तो खुदा का खौफ करो एजाज भाई, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अभी शादी शुदा हो तुम यार, फिर भी। अबे तो क्या हो गया, एक शादी की है तो जायज है भी। ए चाचा, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, एक बात कान खोल कर सुन लो। सिर्फ मेरी है, मेरी, और मैं देखना उसे कैसे इंप्रेस करूं। अरे ऐसे कैसे, नीलोफर को मैं इंप्रेस करूं? अरे ऐसा जादू जगाऊंगा उसके ऊपर, देखते ही लट्टू हो जाएगी मुझ पे। तू तो इधर हो लट्टू, ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं की है बच्चा डूंगा, इस काम में मुझे तजुर्बा बहुत ज्यादा है। देख लेना तू, देख लेना तू, हाँ देख लेना तू। और वैसे आपस तारी की बात है, इस महल्ले के लोग ना पिछले महल्ले वालों से लाख दर्जे अच्छे। पिछले महल्ले वाले तो कमबख्ती मारे अपना बुखार भी नहीं देते थे। अरे कोई अच्छे बच्चे लोग नहीं होते अम्मा, मर गए सब अच्छे लोग। नहीं ऐसे ना कह, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यकीन कर, ऐसे मुफ्त में आके सब काम करते थे, कुछ कहा भी नहीं जाता बेचारे, एक रुपया भी नहीं लेते। अम्मा जब तक इस दुनिया में दिल फेंक लोग जिंदा है ना, तब तक हम हुसन वालों के लिए मुफ्त चीजें होती रही। बेशरम, अल्लाह माफ करे, ये बेहुदा बात है, तूने कहाँ से सीखी? तुझे कितनी दफा मना किया, ये रोमानवी नावल ना पढ़ा कर, इसके साथ देखने गई थी पिक्चर, बता मुझे क्यों लेके गई? अबे मर गया बच्चा तो आओ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह मां सत्य जाए, तू ना होता ना ये मैं गोली मार देते। अरे ऐसे कैसे मार देते, मैं हूँ ना अभी। अल्लाह सत्य जाओ, तू तो बात सुन जानी पहचानी से पीछे नहीं माना। आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। बात सुन, कोई जीत वीत नहीं हो रही, चलो बस घर चले, चलो बतेरा हो गया। आप लोग आराम से घर जाए, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ तुम यही रहो, मैं यही हूँ, हम घर जा रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों को, मेरे होते हुए इस पूरे इलाके में कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ यहाँ पे खड़ा। बाबा जी क्या क्या हिसाब लगाए, परोट सारे 40 रुपए, इतने महंगे? अल्लाह मियां ऊपर से पता है लाल है क्या? ओए होए, ओफो वही टाइट लग रही है वो चमक। चलो कहाँ से आ रही हो, पागल पागल हो गए हो? अच्छा बात सुनो, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? रात को बात करेंगे घंटा पूरे किस पे। ए हकले, तेरे घर में माँ बहने नहीं है क्या, मेरी बच्ची को छेड़ रहे? हमारे घर कोई भी नहीं है, हम ताला लगा के हैं। ओए क्या कह रहे हो तुम लोग, है लड़की को छेड़ो तुम लोग, है अपनी शक्लें देखो और अपनी हरकतें देखो, शर्म नहीं आती तुम्हें बगैर? तो कौन से लड़की का भाई है क्या? क्या बोला? अरे आंटी यही तो अपन का काम है, सोशल वर्क, खिदमत-ए-खल्क। चलो चलो इसके
चले चले अम्मा घर चलो ललका फिर खराब होगा तो चले पकड़ चलने का जोर से मुक्का मारा है रानी पागल वागल तो नहीं है हजार हजार के नोट बांटे चला जा रहा है ये इधर क्यों नहीं आ रहे से यहाँ पर मैं जाऊँ नहीं आ रहा नहीं आ रहा ना ये अम्मा है अम्मा ये कुतुबुद्दीन साहब है बहुत अच्छे इंसान है आदाब वो तो नजर ही आ रही है मेरा मतलब है आजकल के इतने खुदगर्ज दुनिया में इतने हजार हजार के नोट कौन बांटता फिर रहे भाई देखे जिंदगी वो क्या जो किसी दूसरे के काम ना आए बस यही जिंदगी है ना इतने अच्छे विचार है आपके मेरा मतलब ख्यालात फिल्में नहीं देखता नहीं हाँ हाँ विचार हाँ बस देखे तनतनहा आदमी हूँ अकेला हूँ अब इतना पैसा है क्या करूँ अब पैसा लोगों में बांटूंगा नहीं तो क्या करूँगा तो हमें दे दे मेरा मतलब शादी नहीं की आपने कोई लड़की अच्छी नजर आएगी जिस दिन तो जरूर मैं शादी भी कर लूंगा शायद आपने चीजें ढूंढना नहीं होगा आपको नजर न लग गए तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये ऐसा करें हाँ दो छह ये रखिए आप ये रखिए आप बांट दीजिए मुझे अभी दूसरे मोहल्ले में जाके दी पैसे बांटने ईद करीब है ईद करीब है अकेले आप इतने क्या कर अम्मा मत चलो बच्चों को दे आता हूँ और बहुत है मैं आया तुम लोग ये मारा छक्का आज तो धर्म पड़ गया पूरा साथ चाचा ये हजार के नोट पे ईद मुबारक लिखा हुआ है ईद पे ईद मुबारक नहीं होता क्या भाग गया भाग गया शुक्र है सुना नहीं किसी ने इम्प्रेस तो हो गई है बेटा तुमसे बस अब उसे मोहब्बत हो जाए तो नसरीन पर सौतन दे आऊंगा वैसे भी ये नसरीन मुझसे आजकल बहुत बदतमीजी कर रही है अरे हैंडसम तो मैं हूं ही आज एक्शन हीरो भी बन गया आजकल की लड़कियों को ये चीज तो समझ आती है ये जो फुल गला समझदार सी लड़की उसको मैच्योर बड़ी उम्र के लोग पसंद है अरे ये फर्क का फोन क्या उम्र पाई है तुमने हेलो हेलो कैसे मिजाज है जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप कैसी हैं आपकी दुआएं अरे हाँ हाँ यार हर जुम्मे की नमाज के बाद मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ वैसे तुम हो बहुत अच्छे अच्छी तो आप भी बहुत हैं भाई मुझे तो आप पहले से ही बहुत अच्छे लगते थे लेकिन अब अम्मा भी आपकी फैन हो गई हैं क्या वाकई अरे हाँ ना अरे लड़कों को पीटना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी देता हूँ अच्छा मेरा एक काम कर दो प्लीज हाँ हाँ बोलो बोलो क्या काम हाँ हाँ हुक्म करें निका क्या निकाह हाँ 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 निकाह इतनी जल्दी क्या निकाह वो अम्मा चाहती है कि अगले हफ्ते निकाह हो जाए और देखिए आपका आना जरूरी है क्योंकि आपके बगैर तो निकाह इम्पॉसिबल है ना शर्म आ रही मुझे तो क्या बातें करने की इतनी जल्दी सब कुछ अरे मुझे तो अपने कानों में यकीन नहीं आ रहा तो आप इतने नन्हे भी नहीं है कि आपको समझ ना आए अच्छा यानी मैं ठीक समझ रहा हूँ लेकिन मेरे शादीशुदा होने पर आपको कोई एतराज तो नहीं अरे नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरी बेरोजगारी ठीक है मगर मेरी थोड़ी सी बड़ी उम्र है ना अरे इन बातों से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिल्कुल इत्मीनान हो जाए क्या अरे वाह क्या बात की है भाई मजा आ गया जिंदगी सेट हो गई मेरी तो ओके खुदा हाफिज बस आपने आना है लाजमी अल्लाह हाफिज अच्छा खुदा हाफिज यो यो
आयो। पगला ख्वाब देख रहा है। अंकल आप मेरे ऊपर के कोई रिश्तेदार? चाचा तुम बे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा बे यही सवाल मैं तुमसे पूछूं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं ना यहाँ एक मिनट तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यही सवाल तो मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अरे मैं सब के जाऊँ तुम दोनों के, मैं मेरा निकाह है और मुझसे ही पूछे जा रहे हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? निकाह? भाई मेरा निकाह है, मेरा मैं नीलो फटे शादी करो मेरी शादी पिद्दे, मेरा निकाह है मेरी सेटिंग वीडियो से। भाई वो मेरे साइज के मेरा निकाह, तुम तो बाप लगते हो उसके। क्या बात है, एक 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 चलो अंदर जाके हम नीलो फट से दूध देते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदमी बहुत सारे खाने का ऑर्डर कर दिया ना? बहुत बहुत सारा खाना, इतना खाना आप पार्सल भी कर सकती हैं। क्या बात, तो कुतुबुद्दीन वो 25 किलो मिठाई पैक करवा ली थी? जी जी कर दिया था, आ जाएगी। वाह वाह जी वाह वाह। और गोरे मियां तुम हाथ फूल का इंतजाम तो ठीक से हो गया ना? हाँ आंटी सारे सारे इंतजाम मैंने कर दिए, दिल लगा के किए। अरे सुनिए अम्मी जान, आपने उनको क्यों कहा कि बना लीजिए, आप मुझे क्या ले आता था। चलो भैया ये बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, अब तो तीनों खैर से निकाह में गवाह बनने को तैयार हो ना? गवाह गवाह गवाह? तुमने कहा था कि मेरे बगैर निकाह नहीं हो सकता। यही कहा था तुमने, लेकिन तुमने तो ये मुझे कहा था भाई। मैंने मैंने क्या कहा था भाई? लेकिन नीलोफर तुमने मुझसे तो कुछ और कहा था। लेकिन आपने कुछ और कहा था मुझसे? हाँ नीलोफर इनको बताओ, सच बताओ इनको। हाँ हाँ तो गवाहों के बगैर निकाह कैसे होता? आप सबका आना तो बहुत जरूरी था है? अरे हाँ भैया हाँ, तुम तीनों के बगैर कैसे निकाह हो सकता था? तुम्हारे अलावा हम दोनों का है कौन? गाँव में भाई की तो बहुत जरूरत होती है, तीनों भाई माशाल्लाह से मौजूद है। और एक सेकंड जरा खबर कर लो, मुझे तुम लोगों किसी से मिलवाना भी है। वो क्या कहते हैं तुम लोग, सरप्राइज मुन्ने। कौन आ गया? मुन्ना कौन है? भाई होगा मेरे ख्याल। मुन्ने आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। ये मेरी नीलो पर का होने वाला शोहर है। अरे क्या हुआ? नसरीन की तबीयत अचानक खराब हो गई, अभी अभी फोन आया जब मैं बैठा हुआ था, मुझे जाना होगा। अरे अमन को रोको, ऐसे कैसे निकाह कैसे होगा गवाहों के बगैर भाइयों के बगैर? मैं मेरी शुगर बड़ी लो हो रही है, नीचे आ रही, मैं चलता हूं। लगा था चक्कर।